Now, nephridia helps in the excretion and osmoregulation in. तो बेसिकली नेफ्रीडिया जो है ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो किसमें प्रेजेंट है. एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, आइडेंटिफाई करना है काम क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. नेफ्रीडिया कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द नेफ्रोस्टोम पार्ट. ये नेफ्रोस्टोम है. दिस इज समवट लाइक दिस. ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा. तो ये तो प्रॉक्सिमल कॉइल्ड पार्ट एंड दिस वन इज डिस्टल. दिस वन इज डिस्टल. इसे नेफ्रोस्टोम बोल देते हैं. नेफ्रोस्टोम. और ये इसका एनस पार्ट हो जाता है, बेसिकली द एंड पार्ट या एंड सैक. ठीक है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ऐसे करके. ये इसका और ये पूरे में प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, है ना. ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है. इसे डिटेल में जब हम लोग नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना. अब ये जो नेफ्रोस्टोम है ये माउथ पार्ट है इसका, है ना. अब प्रॉक्सिमल कॉइल पार्ट, बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, ये पूरी बॉडी में. कॉइल का मतलब क्या हो गया, कॉइल है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जैसे हमारे अंदर है, वैसे इसमें प्रॉक्सिमल कॉइल्ड पार्ट है और वहां पे डिस्टल कॉइल पार्ट है. तो ये कॉइल्ड पार्ट क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है. किसके लिए, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए. अब ये प्रेजेंट किसमें है, ये नेफ्रीडिया है. ये क्या है, नेफ्रीडिया. और बेसिकली इसमें कौन सा नेफ्रीडिया देखने मिलता है, सेप्टल नेफ्रीडिया. सेप्टल नेफ्रीडिया, है ना. तो नीरिस इज एनीलिडा. एनीलिडा में ये प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है ना. हिरुडिनेरिया इज लीच. हिरुडिनेरिया में भी प्रेजेंट होता है. फेरिटीमा इज अर्थवॉर्म और इसमें भी प्रेजेंट. यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू. क्योंकि नेफ्रीडिया जो है सेप्टल नेफ्रीडिया के फॉर्म में टाइप होते हैं प्रोटो नेफ्रीडिया एंड सेप्टल नेफ्रीडिया. तो बेसिकली प्रोटो नेफ्रीडिया इज अ ब्रॉडर टर्म एंड सेप्टल नेफ्रीडिया इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर एनीलिडा फाइलम. तो यहाँ पे मेरे पास नीरिस, हिरुडिनेरिया और फेरिटीमा तीनों ही जो ऑर्गेनिज्म है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, एनीलिडा से. एनीलिडा से बिलोंग कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू.